हम हैं रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम मौजूद हैं मुजफ्फरपुर के भोताने में और हमारे साथ हैं वीआईपी पार्टी के महागठबंधन के मुजफ्फरपुर से उम्मीदवार डॉक्टर राजभूषण निषाद जी। आइए उनसे बात करते हैं, आप चुनाव मैदान में हैं, किन मुद्दों के साथ आप जनता को लुभा रहे हैं, उनसे वोट मांग रहे हैं? नहीं, ऐसा कोई लुभाने की बात नहीं है, जनता खुद उनसे त्रस्त है और हम विकास के मुद्दे पर जो उन्होंने झूठा विकास का वायदा किया था उसको एक्सपोज कर रहे हैं लोगों ने कि क्या उनका विकास का एजेंडा है। उन्होंने सारे कल कारखाने बंद करा दिए, लोग पलायन कर रहे हैं मजदूर लोग, और जो एयरपोर्ट का मामला है आपने सुना ही, एयरपोर्ट को भी यहाँ से शिफ्ट करने में, दरभंगा शिफ्ट करने में सबसे पहला सिग्नेचर, अगर उसमें 40-50 सांसद किए हैं साइन तो सबसे पहला साइन जो है उसमें बड़े भाई अजय निषाद जी का है। और SKIMCH को भी एम्स बनाने का जो प्रस्ताव लोगों ने दिया था उस पर भी कोई पहल नहीं किया उन्होंने। और सुदूर देहात कटरा के क्षेत्र में, औराई के क्षेत्र में आज भी लोग चचरी पुल पर चलने के लिए बाध्य हैं, अपने जान को हथेली पर रख करके चलते हैं लोग। तो उस अगर 25 साल इनका कार्यकाल रहा है तो 25 साल में अगर दो साल में भी एक पुल से मुक्ति दिलाया जाता तो आज यहाँ के लोग इस कंडीशन में नहीं होते। देख करके आपका दिल कांप जाएगा कि किस ढंग से लोग अपने जान को हथेली पर रख करके चलते हैं। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि ये मोदी सरकार कहती है कि जो कांग्रेस ने 70 सालों में नहीं किया, मैंने 5 सालों में किया है, और आप है जो छछड़ी पुल की जिक्र कर रहे हैं, मैं खुद देखा हूँ उस पुल का, बहुत ही जोखिम भरा काम होता है वहाँ के लोगों के लिए। देखिए, ये तो जुमले वाली सरकार ही है, ये तो जो भी मैनिफेस्टो, आप सिर्फ मैनिफेस्टो इनका पढ़ लें 2014 का, जो भी कमिटमेंट इन्होंने किया था सारा काम उल्टा किया है। जो मैनिफेस्टो में लिखा है वो काम तो निश्चित तौर पर नहीं हुआ, उसके अलावा GST नोटबंदी कर करके लोगों को इन्होंने त्रस्त कर दिया है और लोगों में इनका खौफ है, कहर है, और इस कहर से बचने के लिए लोग जो है इनको इस चुनाव में सबक सिखाएगी। डॉक्टर राजभूषण निषाद जी, जो आपके प्रतिद्वंद्वी हैं, ये बताइए कि जो आपके प्रतिद्वंद्वी हैं अजय निषाद जी, वो उनके पिता यहाँ से सांसद थे, वो खुद सांसद रहे हैं, उनका राजनीतिक बैकग्राउंड रहा है, तो कितने बड़ी चुनौती हैं वो आपके लिए? कोई बहुत बड़ी कोई चुनौती ही नहीं है, जनता खुद त्रस्त है उनसे और जनता खुद चाह रही है कि कुछ अच्छे लोग आएँ जिनका पॉजिटिव, समाज के प्रति पॉजिटिव सोच हो, सकारात्मक सोच हो, और समाज को सबको साथ लेकर के चलने का काम करें, विकास के साथ काम करें। तो जनता खुद त्रस्त है उनसे और वो तो विरासत ढो रहे हैं। किसी आदमी के बच्चे के भविष्य बनाने के लिए पूरे समाज के भविष्य बर्बाद नहीं किया जा सकता है। कैप्टन साहब के बच्चे के भविष्य बनाने के लिए पूरे समाज का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है, तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है और सारी जनता समझ चुकी है। जी, PM मोदी कहते हैं कि आप हमें वोट कीजिए, इस बात को वोट कीजिए, राष्ट्रवाद को वोट कीजिए, राष्ट्र की सुरक्षा को वोट कीजिए, हमने आपके 56 इंच के सीने किए हैं उसको वोट कीजिए। देखिए, ये झूठा राष्ट्रवाद है और कहीं से भी सारे लोग समझ चुके हैं कि जब चुनाव का समय आता है तो बॉर्डर पर फायरिंग शुरू हो जाती है, ये सब लोगों को बरगलाने का अंदाज है इनका, और ये काफ़ी सातिर लोग हैं, समझे ना, तो इसलिए ऐसे तत्वों को लोग समझ चुके हैं और इनको इस वोट में सबक सिखाएगी जनता। जी, ये बताएं कि आपने अभी वो छछड़ी पुल का जो जिक्र किया, अगर आप यहाँ से सांसद चुने जाते हैं तो उधर के लोगों को, नदी के उस पार रहने वाले लोगों को क्या आप मुक्ति दिलाएंगे कि वो एक बेहतर पक्के का जो परंपरागत पुल से, जो छछड़ी का पुल है उससे हट करके वो भी एक बेखौफ होकर यात्रा कर सकें? जी, निश्चित तौर पर छछड़ी पुल से मुक्ति दिलाना मेरा प्राथमिकता होगा और मैं एकदम मजबूती के साथ उसके लिए लड़ाई लड़ूंगा और वो बनाने का काम करूंगा। जी, तो आपकी प्राथमिकता में और क्या होगा मुजफ्फरपुर के लिए जो आप करना चाहेंगे? देखिए, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि मैं कोई नेता बनने नया आया हूँ, मैं राजनीति में सेटल
होने नहीं आया हूँ, सेटल होकर के आया हूँ। और मेरे संज्ञान में जो भी जिस पंचायत की भी समस्या आएंगी, उस पंचायत का एक नागरिक होने के नाते जो भी बेस्ट डिसीजन लेना होगा मैं लेने का काम करूँगा। किसी भी वार्ड या पंचायत की जो भी समस्याएं होंगी सबको सकारात्मक रूप से और मैं सॉल्व करने का काम करूँगा। मैं कभी किसी आदमी को ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने 99% दिया है, हर हमेशा मैं 100% देने का प्रयास करूँगा। हमारे साथ रमई राम जी भी हैं, उनसे बात करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे यहाँ की मुजफ्फरपुर की जनता को? हम आपसे कहना चाहते हैं जी जी, 2014 में नरेंद्र मोदी आए, आपने स्वतः कहा है कि कांग्रेस थी, उसके बाद बीजेपी आई। आज जो नरेंद्र मोदी जितने बात कहें एक भी पूरा हुआ है कहीं किसी मुद्दा पर? लड़कों के नौजवानों के रोजगार समस्या हो, राष्ट्र का विकास हो, राज्य का विकास हो, यह पर डबल इंजन की सरकार है, धोखा देने वाली, 11 करोड़ की जनता को धोखा दिया नीतीश कुमार, सेकुलर से गया सांप्रदायिक में चला गया, हारे हुआ के मंत्री बना, हारे हुआ के मंत्री बनाया, जीते हुआ के घर बैठा दिया, ऐसा धोखेबाज आज तक कोई मुख्यमंत्री नहीं हुआ। और नरेंद्र मोदी केवल जुमलाबाज है, कहाँ ब्लैक मनी चला गया, कहाँ चला गया, उनको जो कहते हैं रुपया बांट रहे हैं तो 15 लाख रुपया कहाँ चला गया, अब 6,000 दे रहे हैं, 15 लाख कहाँ गया, ये झूठ हुआ तो यो झूठ है, जितना बोलेंगे सब झूठ है, झूठा पर कोई विश्वास नहीं करता है। थे प्रधानमंत्री, विश्व को घूमे हैं तो वहाँ चपरासिया अति नहीं कहे हैं, वहाँ गए प्रधानमंत्री बन गए, आज राज्य में चपरासी बनते हैं। जो ठगने वाला एक एक काम हम आपसे जानना चाहते हैं, कहते भाइयों बहनों बिजली आ गई, बिजली आने में कितना समय लगता है, रमई राम बिजली मंत्री था तो बिजली नहीं थी उतना रुपया में, हमने ट्रांसमिशन लाइन लिया, कुमार मंगलम साहब कांग्रेस के मंत्री थे, 98 राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी, 98 में हमने आपको जाकर कुमार मंगलम से कन्वेंशन में कहा कि उत्तर बिहार में कहीं बिजली का नाम कोई चीज़ नहीं है, हमको जो कांटी में बिजली पैदा होती है बरौनी से सप्लाई होता है, हमने ट्रांसमिशन लाइन 5,000 मेगावाट बिजली है, 3,000 है कहलगांव बार में, 1,000 कहलगांव में, 1,000 मुजफ्फरपुर में, तो बिजली निकली है तब उसको तार जोड़ रहे हैं, बिजली नहीं बनाए हैं, बिजली बनाने के लिए समय लगता है, ट्रांसफार्मर से ही बिजली नहीं निकलती है, जो प्लांट बढ़ता है, जो बिजली का साधन मुहैया होता है उससे बिजली जनरेट होता है तब पहुंचता है, इसलिए इनका पास सभी झूठे हैं। हमें महागठबंधन की सरकार बनेगी और जो वहाँ जीत के जाएंगे अच्छे फैसला लेंगे, राष्ट्र को जो सम्मान है उसका ऊंचा उठाएंगे, केवल इनके कहने से नहीं, खाली झूठा। हम आपसे जानना चाहिए, हमको जानिए, पहले कश्मीर में राष्ट्रपति शासन है, जब जा रहे थे मिलिट्री के लोग, सुरक्षा के इंजाम किसको करना था, पाकिस्तान को या हिंदुस्तान को, इसको हमको सफाई दे दीजिए, करना था हिंदुस्तान को, आ कहते पाकिस्तान आके मार दिया, तो तुम किस काम का अंजाम हो, कहा कि तुम लोग वहाँ के शासन चला रहे हो, वहाँ के शासन तो भंग है, राष्ट्रपति शासन है नरेंद्र मोदी के कब्जा में है, वहाँ आप मारे जाते हैं, अजिया पीते झूठों के, झूठों के जाते अपने गिरा देते हैं, कहते हैं कि हम भाका 56 इंची है, ये धोखाधड़ी नहीं चलने वाला, जनता जाग चुकी है, जो सच जो लोगों के बीच में रहेगा, गरीब शोषित दलित सभी जाति धर्म को मानेगा उसका सम्मान बढ़ेगा। भैया 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद तोड़ने की जरूरत पड़ी, आज तोड़ के आज तक नहीं बना, कितना दिन बनता है, हम तो 6 वर्ष में मंदिर बना दिए अपने दरवाजा पर, उनके समय हल्ला हुआ तो हम उसी महीने बना दिए, आज कहते मंदिर में। एक चीज बताइए, आपने बिजली का जिक्र किया, बिजली का मुद्दा जो है बड़ा मुद्दा है, जेडीयू बीजेपी के लोग गिनाते हैं कि जो भी यूनिट्स है आपने कहा कि हम लाए हैं उसको और ये लोग डिस्ट्रीब्यूट करके माइलेज ले रहे हैं, तो एक बार आप बताएंगे कि आपने कैसे लाया था, कौन कौन से लाया था, जो कैसे
बिजली जो आपने बताया ना कि हम चार थर्मल के लिए पास हुआ था, एक 3000 बार में जो बना है हमारा जो थर्मल प्लांट, वहाँ 3000 उत्पादन के लिए क्षमता, 1000 में कहलगाँव, 1000 मुजफ्फर में 750 का जनरेशन हुआ, क्योंकि यहाँ हवाई अड्डा बना था, चिमनी बड़ी होती इसलिए 250 का कटल किया गया था, इससे बना है। इसका सबूत है कि कब आया है, 98 में कुमार मंगलम साहब कांग्रेस के मंत्री थे उस समय, क्या है वो आप जाके देख लिया, उसका हर प्लांट का हर चीज़ का सबूत है, या उनका रजिस्टर है, उनके ऑर्डर है, सब उनके वहाँ पड़ा हुआ है। आखिरी सवाल आपसे, आप मुजफ्फरपुर की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? यही अपील करना चाहेंगे कि परिवर्तन करिए, और जब तक परिवर्तन नहीं होगा लोग में अच्छे लोग नहीं आएंगे, तब तक इस लोकसभा का विकास नहीं हो सकेगा। आपने 25 साल मौका दिया है, दूसरे को मौका दे के देखिए। जी जी, राज नेटवर्क से बात करने के लिए आप दोनों का शुक्रिया। तो ये थे VIP पार्टी के उम्मीदवार राजभूषण निषाद जी, जिन्होंने बड़ी ही बेबाकी से कहा कि अगर मैं अच्छा काम नहीं करूंगा तो आप मुझे भी 5 साल के बाद आउट कर देना, लेकिन हमेशा परिवर्तन पे ध्यान दो और परिवर्तन के लिए आप मुझे वोट करें। योगेश चक्रवर्ती, राज नेटवर्क, भूतानी, मुजफ्फरपुर। आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। आपसे गुजारिश है, YouTube पर रेड नेटवर्क से जुड़ने के लिए इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब बटन के साथ ही घंटी बनी हुई है, उस पर जरूर क्लिक करें, ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाए और आप लगातार जुड़े रहें रेड नेटवर्क के साथ।